साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। हम सभी लोग बहुत प्यार से जो शरण गए उन तथागत भगवान बुद्ध की सुंदर ज्ञान हम सारे लोगों का जीवन के लिए बहुत ही लाभदायी है। हम सभी लोग एक प्रकार के बहुत दुखी का एक खतरा जन्म के संसार में फंसे हुए हैं, मगर ये देखना, ये खतरा को समझना बहुत लोगों को कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसका कारण क्या है? लोग सिर्फ जानते हैं आँख से जो दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, और ये सब कुछ जानते हैं, उससे अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं। मगर तथागत भगवान बुद्ध जी ने आंतरिक विज्ञान से संसार का सत्य देख लिए हैं। उन्होंने देखे हैं सारे लोगों के मन में कर्म तैयार हो जाता है, कर्म बन जाता है। कर्म तैयार होने के कारण क्या बन जाता है? फल। ये दोनों हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, क्या क्या, कर्म एवं कर्म का फल। ये मन में किस प्रकार से कर्म बन जाता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, तथा उसी कर्म को किस प्रकार का फल मिल जाएगा ये भी हमें दिखाई नहीं देता है। इसीलिए सामान्य जीवन में हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं, आँख से जो दिखाई देता है रूप और कान से सुनने वाले शब्द, नाक से सूंघने वाले गंध, जीभ में मिलने वाले स्वाद और शरीर पे मिलता है स्पर्श, मन में आता है विचार, ये सब कुछ स्वीकार करके अपना मन में जो कुछ आते रहता है वो सब सोच सोच के, मन में जो कुछ आता है वो सब बोल बोल के अपना मर्जी से जैसा तैसा जीवन बिताता है। इसका खतरा हम लोग, अगर हम सभी लोग ये मानव जन्म से पीछे गिर गया तो वापस हमें कभी भी ये मानव जन्म मिल सकता है कि नहीं किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि उतना ही मुश्किल से मानव जन्म किसी को मिल जाता है। हम लोग कभी भी अगला जन्म में भी हम मानव रूप में आएंगे या तो फिर हम देवताओं के पास जाएंगे, ऐसा किसी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई पेपर में साइन किया हुआ नहीं मिलता है। और हम लोगों को ये मानव जन्म भी कहीं साइन करके सिग्नेचर करके नहीं मिला है, वादा करके नहीं मिला है। ऐसा है तो हम लोगों को इससे भी ज़्यादा सफलता वाले अच्छा जीवन को पहचान सकता है। ऐसा जीवन पहचानेंगे तो उसके लिए हमें बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, क्योंकि पुण्य के चलते किसी को भी मनन करने का शक्ति मिलता है। पुण्य से ही सभी को बुद्धि मिल जाता है, अच्छी तरह से अपना ज्ञान को, बुद्धि को इस्तेमाल कर सकता है, गहराई को समझ सकता है पुण्य की वजह। ऐसा
ये जिंदगी इस प्रकार हमेशा सभी लोगों को नहीं मिल जाता है। मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, कितना मुश्किल से मिल जाता है। तथागत ने बताया, तथागत भगवान बुद्ध जी अपना नाखून में मिट्टी थोड़ा लेकर के भंते लोगों से पूछे, ये मेरा नाखून के ऊपर मिट्टी है वो ज्यादा है या तो फिर ये पूरा धरती का मिट्टी ज्यादा है? हे तथागत, आपका नाखून में बहुत ही थोड़ा मिट्टी है, मगर ये धरती पे तो सोच भी नहीं सकता उतना ही मिट्टी है। तथागत ने बताया, ये मानव जन्म भी वैसे ही है। जो कोई मरने के बाद द्वारा मानव जन्म में आएंगे तो ये नाखून के ऊपर मिट्टी जैसा थोड़ा सा लोग आ जाता है, दम थोड़े लोग आ जाता है। भगवान बुद्ध ये सब कुछ देखे हैं, उन्होंने बताया धरती जैसे लोग, धरती का मिट्टी जैसा लोग मरने के बाद खतरा जन्म में चल जाते हैं। अब हम लोगों को एक भाग्य मिल गया है, वो भाग्य क्या है? हम सभी लोगों को मानव जन्म मिल गया। उससे भी ज्यादा भाग्य की बात क्या है? वो है तथागत भगवान बुद्ध की पवित्र धर्म हम लोगों को मिल गया। हम लोग जो बीते हुए अतीत में, पिछले जन्म जन्म में अप्रमाण अनगिनत मानव जीवन पाए होंगे, मगर हम लोगों को वो पिछले जन्म जन्म में भी भगवान बुद्ध की धर्म मिला या नहीं, कैसे पता चलेगा? हम लोगों को पिछले कोई भी जन्म में तथागत भगवान बुद्ध के ज्ञान की रास्ता पे जाने का मौका नहीं मिला। कभी कभी भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध के पास बैठ के रहते हैं मानव रूप में, मगर मिथ्या विश्वास से भरा हुआ रहता है। मिथ्या विश्वास से भर के तथागत की धर्म को इनकार किया होंगे। और भगवान बुद्ध रहते समय हम लोग मानव रूप में आए होंगे, कैसे? ज्ञान नहीं है, मनन करने का शक्ति नहीं है, बुद्धिहीन है, इसीलिए हम लोगों से वो मौका भी छूट गया। और भगवान बुद्ध की धर्म जब नहीं थे तब हम लोग मानव रूप में आए होंगे, मगर सुनने के लिए कोई ज्ञान नहीं है। मगर ये सब कुछ से छुटकारा पाके भगवान बुद्ध की धर्म भी मिल गया और मानव रूप में भी हम लोग आ गया, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो ये भाग्य, ये अच्छा मौका, अच्छा भाग्य से लाभ उठाना अपना अपना कर्तव्य है। इस क्यों? क्योंकि ये अस्थिर जीवन के बारे में अच्छे से मनन करके देखेंगे तो किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। हम अगले साल तक जीवन जिएंगे और 2 साल तक रहेंगे, 3 साल तक रहेंगे, किसी को कुछ नहीं कह सकता है। कौन कह सकता है अपने को क्या तकलीफ परेशान भविष्य में आ जाएगा? किसके साथ आप बातचीत करके पक्का हो गया कि हम उतना समय तक जिंदा रहेंगे, कभी भी हम इस दुनिया को नहीं छोड़ेंगे? अब देखिए, सोच के हम आप सभी लोगों को इस प्रकार जीवन क्यों मिला? तथागत भगवान बुद्ध ने हम लोगों को बताया,
ज्ञान से मनन करने का तरीका। ये जीवन बाहर कोई किसी ने बनाया नहीं, ये जीवन अपना मर्जी से भी नहीं बना है। अगर ये जीवन अपना मर्जी से बन गया है तो अपना मर्जी से ये जीवन ले जा सकता है, मगर अपना मर्जी से जीवन नहीं बिता सकता है। ये जीवन अपने आप भी जन्म नहीं लिया। अगर ये जीवन अपने आप जन्म लिया तो अपने आप खत्म हो जाएगा, कोई मेहनत करना जरूरत नहीं है। अगर अपने आप जन्म लिया तो ऐसा कोई दुख भी नहीं है, और जन्म लेने के कारण हम लोग अगर सोचेंगे तो 84,000 जन्म लेके खत्म हो जाएगा ये संसार की यात्रा, 1,00,000 जन्म पाने को खत्म हो जाएगा। ऐसा जन्म लेके ये जीवन कभी खत्म नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी 1,00,000 कल्प तक, दीपंकर भगवान बुद्ध के समय में सुमेध ऋषि जी का नाम से उन्होंने निर्णय लिया, अनुमति लिया संबुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। मगर हम लोग उससे भी पहले संसार में थे, कई अरबों कल्प तक हम लोग संसार में थे, मगर हम लोगों का ये यात्रा अब तक खत्म नहीं हुआ। क्यों? संसार की यात्रा में जन्म लेते लेते मरते मरते जाने से कभी दुख खत्म नहीं होता है, संसार की यात्रा खत्म नहीं होता है। ये कभी भी खत्म होने का चीज नहीं है अपने आप। हम लोग कारण को हटाना चाहिए, फल को हटाना चाहिए। तो तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, हम सभी लोगों को यह नित्य सदाकालिक कुछ भी नहीं है, हमेशा हम लोगों का जीवन सब कुछ अनित्य है। हम लोगों के पास जरूर हमेशा सदाकालिक सुख भी नहीं है, दुख का जीवन है, ये हम लोग समझना चाहिए। अगर हम लोगों को सिर्फ दुख मिल गया तो हम लोगों को सुख थोड़ा भी नहीं मिला तो सिर्फ दुख मिल गया तो हम लोग पसंद नहीं करेंगे। इसका मतलब सुख भी थोड़ा थोड़ा भी हम लोगों को मिल जाता है। अगर हम लोगों को सिर्फ सुख मिल गया तो हम लोग कभी संसार से मुक्त होने के लिए मेहनत करेंगे नहीं। दुख भी है, इसलिए हम लोग अनासक्त होके सब कुछ त्याग करके संसार के खतरा यात्रा से बचने के लिए मेहनत करते हैं। ये जीवन के बारे में इस प्रकार समझने के लिए हम लोगों को ज्ञान चाहिए, तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान। भगवान बुद्ध ने बताया, मानव को पृथक जन्म में रहने पर कभी भी दुख से मुक्त होने का संभव होता ही नहीं है। पृथक जन मतलब वो भगवान बुद्ध के बारे में नहीं जानते हैं, आर्य रास्ता के बारे में नहीं जानते हैं, विश्वास भी नहीं करता है कर्म का फल, विश्वास नहीं करता है निर्वाण की रास्ता। वो संसार में जाने के लिए तैयार है, वो पृथक जन है।
मगर जब तक रहेंगे तब तक खाते पीते हम लोग रह जाएंगे, ऐसा करके वे लोग रहते हैं। ये हेतु फल धर्म हम लोग अनुमोद नहीं करेंगे तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। वो खतरा क्या है? वो कभी भी मिथ्या दृष्टि वाले पृथक जन लोग कभी भी नरक नहीं जा सकता है मरने के बाद। भगवान बुद्ध ने बताया, एक राजा है, पूरा धरती का राजा, चक्रवर्ती राजा, वो धार्मिक से राज्य करके मरने के बाद देवलोक में जन्म लेता है। देवताओं के पास जाके बहुत ही दिव्य सुख संपत्ति को भोग के मरने के बाद नरक में जन्म लेता है। हम लोग जो सोचते हैं देवताओं तो हमेशा देवलोक में है, भगवान हमेशा देवलोक में नहीं, वे लोगों का भी उम्र सीमित है, कुछ समय तक है, फिर उन लोग भी नरक में जानवर जन्म में अलग अलग दुखी का जन्म में चल जाते हैं पुण्य खत्म होने के कारण। कोई कोई लोग ऐसा जन्म लेके फिर मरने के बाद भूत प्रेतों के पास जन्म लेकर के तुप पेकाना का कार इत्यादि गंदगी काते रहता है। यही है पृथक जन जीवन का खतरा। कोई गारंटी है ही नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि हम लोग इससे बच सकता है। ये सारे खतराओं के सामने हम लोग रहते हैं। हम सभी लोग ये सब कुछ समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग विश्वास करना चाहिए भगवान बुद्ध की उत्तम ज्ञान को, क्योंकि उन्होंने ही देखे हैं ये सत्य को। उन्होंने देखे हैं हम सभी लोग ऐसा खतरा में फंसे हुए हैं। उन्होंने देखे इस खतरे से बचने का मार्ग भी देखे हैं। हम लोग ये नरक जन्म, भूत प्रेतों का जन्म, असुर जन्म, जानवर जन्म इत्यादि खतरा जन्म में जाने का रास्ता भी जानते हैं, एक खतरा जन्म से बचने का रास्ता भी भगवान बुद्ध जानते हैं। अगर हम लोग कभी भी ये चार अपाय में, चार नरक में नहीं गिरेंगे तो, खतरा जन्म में नहीं गिरेंगे तो हम लोग से डरने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग किसी लिए डरेंगे? क्यों? हम लोग मानव रूप में रहेंगे, मर जाने के पास फिर मानव रूप में आएंगे, डरने का मतलब क्या है? मगर सत्य वो नहीं है। बहुत मुश्किल से लोगों को मानव रूप में जन्म मिलता है। कभी कभी मरने के बाद वो समुद्र में मछली बन जाता है। मछली बन गया तो बहुत कल्प तक, 100-200 कल्प तक मछली। भविष्य में जन्म पाने वाले भगवान बुद्ध के समय भी खत्म होने तक समुद्र का मछली। ऐसा खतरा हम लोगों के जीवन के साथ है। ये खतरा हम लोग समझ गए हैं, भगवान बुद्ध ने हम लोगों को दिखाया, इसलिए तथागत ने बताया जानवर रूप में जो कोई जन्म लेते हैं वे लोग द्वारा द्वारा भी जानवर जन्म में ही चल जाते रहते हैं। नरक में जो लोग जन्म लेते हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा द्वारा नरक में ही जन्म लेते हैं। इसका कारण क्या है? हम अनगिनत ये संसार की यात्रा में हम लोगों को मालूम नहीं पिछले जन्म जन्म में हम लोग किस प्रकार के कर्म करके रहते हैं, कर्म करके आए हैं।
हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए हम लोगों को ये यात्रा बहुत संभाल के जाना पड़ता है, बहुत ध्यान से ही ये जीवन बिताना पड़ता है। मगर इस जीवन में तथागत भगवान बुद्ध की चार आर्य सत्य दर्शन अपना लेंगे तो डरने का कोई बात नहीं है, डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमें कोई पीली शरण है, शरण है, हम लोग अनाथ नहीं हो जाता है, नाथ हो जाते हैं। क्योंकि चार आर्य सत्य दर्शन से ही किसी को सोतापन हो सकता है, उसके लिए अनुबोध करना पड़ेगा पटिच समुपाद को। इसका मतलब ये दुख बन जाने का तरीका हम लोग अनुबोध करना पड़ेगा। ये जीवन के बारे में मैं मेरा ये संकल्प से हम लोग हटना पड़ेगा। ये मेरे लिए ही, ये मेरा है, मैं हूं, ये विचार हम लोग से हटना पड़ेगा। और ये सब कुछ अपने आप होता है, ये इससे भी हटना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देखना पड़ेगा ये सब कुछ होने का कारण है। इस जीवन से ही ये सब कुछ हम लोगों को समझ के रहेंगे तो बहुत बड़ा शरण है। ये जीवन में ही हम लोग ये सब कुछ अनुबोध करना पड़ेगा, ये सब कुछ अनात्म है, ये सब कुछ बनने का कारण होता है। ये सब कुछ अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो, यानी कि चार आर्य सत्य अच्छी तरह से समझ लेंगे तो उस बुद्धिमान व्यक्ति और किसी को फंसा नहीं सकता, कोई चाहेंगे तब भी ऐसा बुद्धिमान लोगों को फंसा नहीं सकता है, क्योंकि उतना ही उनके पास बुद्धि प्राप्त होता है आर्य सत्य रास्ता पे जाने से। ऐसा भगवान बुद्ध प्रति विश्वास मन से उन तथागत की रास्ता शुरुआत करेंगे तो उनको कह जाता है श्रद्धानुसारी। श्रद्धानुसारी मतलब क्या है? जो लोग मरने के बाद चार अपाय में, नरक, जानवर, भूत, प्रेत, असुर में जन्म लेते हैं, वो सब कुछ हम लोग को दिखाई नहीं देता है, हम लोग जानते नहीं हैं। हम लोगों को तथागत भगवान बुद्ध ने ये सब कुछ दिखाया। जो लोग नॉर्मल मन है वो लोगों को मरने के बाद चार अपाय में, खतरा जन्म में आराम से जा सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध की ये सत्य बात को सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा ये सही है। विश्वास करने के पहले हम लोग शक करके जाएंगे तो कभी नहीं हम लोगों के रास्ता पकड़ पाएंगे। ये पृथकजन जीवन हमें बहुत खतरनाक है, विश्वास करना पड़ेगा। ये आर्य जीवन बहुत ही सुरक्षित है, सुरक्षा है। ऐसे सोच के मन में श्रद्धा उत्पन्न होता होना पड़ता है। श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद हम लोगों को मिल जाता है आर्य जीवन। आर्य जीवन मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग पे हम लोगों का जीवन चलते रहता है। हम लोग उसी जगह पे आ जाता है। इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध ने बताया ये सब कुछ अनित्य है। बाद में हम आप लोगों को ये कारण विस्तार करके बता देंगे। ये कारण अनित्य है, बदल जाता है, ये है दुख। ये कारण के अनुसार कोई भी अपना मर्जी से अपना वश में करने का कुछ भी नहीं है। ऐसा हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है।
सबसे पहले हम लोग तथागत भगवान बुद्ध की बातें पर विश्वास करना पड़ेगा, तब उसी रास्ता पे हमें जाना बहुत आसान है। सत्य को विश्वास करने से उसको हम लोग क्या कह गए, श्रद्धानुसारी। ये है बुद्ध शासन में भगवान बुद्ध की श्रावक का, भगवान बुद्ध के शिष्य का पहला कदम। अगर श्रद्धानुसारी जगह पे नहीं आ पाएंगे तो कभी भी सोतापन नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग नरक जन्म, जानवरों का जन्म, भूत प्रेतों का जन्म, असुर का जन्म, ये खतरा जन्म के बारे में हम लोग मानेंगे नहीं मानेंगे तो हम लोग किसी लिए ज्ञान की रास्ता बढ़ाएंगे, किसी लिए पुण्य करेंगे, कोई खतरा नहीं है हम लोग का, हम लोगों के साथ। ये सब कुछ मानने के बाद हमें डर लगता है, क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक है। इसका कारण क्या है, किसी के पास कोई शरण नहीं है। एक आदमी खतरा जन्म में जाते समय दूसरा आदमी को जाके उसको पकड़ नहीं सकता, खींच नहीं सकता है। इसलिए बुद्धिमान लोग अपना जीवन सही रास्ता पे चलाने के लिए, ये आर्य सत्य अनुबोध करने के लिए मेहनत करते हैं। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध की धर्म पच्चतम वेदितव्य विन्यु ही कहते हैं। इसका मतलब अपने अपने शक्ति के अनुसार ये धर्म को जानना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, अनुबोध करना चाहिए। इसका मतलब अपना जीवन बचाने वाले भगवान कौन है, अपना जीवन को बचाने वाले भगवान खुद है। आप देखिए भगवान बुद्ध के समय में बहुत सारे लोग विमुक्ति को खोज के आए, उन्होंने अपना उपदेश में बताए हैं, उपदेश देते हैं और लोग अनुबोध करते हैं। लेकिन कोई कोई लोग ही अनुबोध नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को ज्ञान से मनन करने का शक्ति अलग अलग है। ये कारण समझना चाहिए, बहुत ही वीर से ये रास्ता पे जाने के लिए मेहनत करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बताया पंजावंत सायं धम्मो, ये धर्म ज्ञान से मनन करके समझने वाले बुद्धिमान लोगों के लिए ही होता है। नायं धम्मो दुपन्यस, ज्ञान से मनन करके जो समझ नहीं सकते हैं ऐसा लोगों के लिए ये धर्म नहीं है। तथागत ने बताया ज्ञान से मनन करने वाले बुद्धिमान लोग हिमालय पर्वत जैसा दूर से दिखाई देता है, तो उन्होंने ऐसा लोग खोज के जाके प्रवचन देते ऐसा लोगों को। मगर जो ज्ञान से मनन करने का शक्ति नहीं है ऐसे लोग रात में बगल में गिरने वाले तीर जैसा है, गिर जाता है लेकिन पता नहीं चलता है, बगल में रह जाता है फिर भी, उन लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है। ज्ञान से मनन करने का कोई तरीका होता है, अपन मर्जी से नहीं करना है। ज्ञान से मनन करने का तरीका तथागत ने दिखाया, उस प्रकार हम लोग ज्ञान से मनन करना चाहिए। अगर सोचिए ये दुनिया बड़ा है, ये धरती छोटा है, लंबा है चौड़ा है, उम्र कितना है, ये सूरज का गहराई कितना है, सूरज का तापमान कितना है, और ये धरती के अंदर क्या है, ये सब कुछ ज्ञान की मनन नहीं है। ज्ञान की मनन मतलब, और लोग सोचते हैं ये सत्व पुद्गल ये मानव कहाँ से जन्म लेते हैं, धरती के ये नरक कहाँ रहता है, धरती के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है, देवलोक कहाँ रहता है, देवताओं कहाँ पे हैं, कितना दूर है,
देवताओं सही है गलत थे, ये सब ज्ञान की मनन नहीं। आजकल लोग क्या सोच के रहता है, कौन विश्वास करेगा? साइंटिस्टिक लोग अभी तक नहीं खोजे हैं, एक भी साइंटिस्टिक याद रखी ज्ञान प्राप्त नहीं किया अब तक। साइंटिस्टिक लोगों से जो कुछ मिला वो सब कुछ से किसी को शांति भी नहीं मिलता है। गंदगी मन वाले लोग जो कुछ बनाता है उससे गंदगी ही फैल जाता है। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध की रास्ता हमें बहुत जरूरी है। ऐसा पागलपना मनन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म ए ही पासिक है, आके देखने का चीज है, आके विश्वास करने का चीज है। ये धर्म पे पहले आके देखना चाहिए, आने के पहले धर्म के बारे में मनन करके विचार करके धर्म को हटाने का बात नहीं, आके देखना चाहिए प्रयास करके। क्योंकि ये जीवन की यात्रा में हम लोग फंसे हुए हैं, उसका कारण होता है एक है, कई भी जन्म के लिए हम लोगों का जीवन में कर्म तैयार हो जाता है। फल मिलने के लिए किस प्रकार से कर्म तैयार होता है ये हम लोग समझना पड़ेगा। दूसरा कारण है अविद्या, ये अविद्या किस प्रकार से रहता है, ये अविद्या किस प्रकार से नष्ट होता है ये समझना चाहिए। तीसरा है तृष्णा, इच्छा, ये तृष्णा किस प्रकार से रहता है और ये तृष्णा किस प्रकार से खत्म होता है ये भी समझना चाहिए। इसके बाद आहार का, आहार के बारे में, आहार कैसे रहता है। ये संसार की यात्रा में हमेशा हम लोग पोषण होने वाले चार तरीका है, वो क्या है, कैसे पोषण होता है और कैसे बिना पोषण करके रह सकता है, यह सब कुछ हम लोग सीखना चाहिए। इसके बाद आश्रव, यानी कि मन की अंदर में जड़ घुस के हम लोगों का जीवन गंदा करके, मन गंदा करके ले जाने का एक चीज है आश्रव, गंदगी। ये चीज से कैसे मुक्त हो सकता है, ये सब कुछ चीज के बारे में हम लोगों को ज्ञान चाहिए, मालूम होना चाहिए, तभी तो हम लोगों का चिंतन अच्छी तरह से बना सकता है, तैयार करवा सकता है, ले जा सकता है। ये चिंतन, ये मनन करने का तरीका कोई साधारण नहीं है। सामान्य लोगों को ये सब कुछ देख करके मैं, वो और मुझसे अलावा और कोई नहीं है, ऐसा संकल्प हमेशा हम लोगों को पकड़ के रहता है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने दिखाया उस प्रकार इस दुनिया को देखने के लिए कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग आर्य मार्ग पे आ जाता है। कैसे, क्योंकि भगवान बुद्ध की धर्म सुनने के बाद धीरे धीरे हम लोगों को सब कुछ दिखाई देता है। ये है सफलता चीज, ये है असफलता चीज है, ये चीज करने से सफलता पा सकता है, ये चीज करने से कोई मतलब नहीं है। अच्छी तरह से सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब कुछ समझ सकता है। ये पृथक्जन मानसिक नहीं है, पृथक्जन विचार नहीं है, उससे ऊपर है। क्योंकि श्रद्धा में आने के बाद, श्रद्धानुसारी होने के बाद उनको ये सब समझ सकता है। इसके बाद वो दूसरे कदम पे आ जाता है। पहला कदम श्रद्धानुसारी, दूसरी कदम है धम्मानुसारी। पहले वो श्रद्धा मन से ये मार्ग को स्वीकार किया, मान लिया, विश्वास किया। दूसरे में वो क्या करता है,
तथागत के धर्म से ये सब कुछ देखने के लिए कोशिश करता है। अपना जीवन का यात्रा और अनित्य चीज कैसे रहता है, दुख कैसे रहता है, अपना वश में ये सब कुछ कैसे नहीं कर सकता है, ये जीवन का सत्य रूप क्या है, ये सब कुछ भगवान बुद्ध की धर्म को लेकर के उसी धर्म की शरण से मनन करना है, मनन कर सकता है। धर्म से ये सत्य देखने के लिए कोशिश करेंगे तो उसको कहा जाता है धम्मानुसारी। अब देखिए दूसरी कदम भगवान बुद्ध ने बताया, धम्मानुसारी व्यक्ति बिना सोतापन हुए नहीं मर जाता है। ऐसा है तो जरूर इस जीवन में धर्म को प्रयास करके, धर्म को देख के ही, सत्य को देख के ही हम लोगों को मर सकता है। मगर जो व्यक्ति कमजोर ज्ञान से, कमजोर जिंदगी से मर गया तो उनको कोई शरण नहीं है। मगर कमजोर होने पर भी धर्म की रास्ता पे जाने के लिए कोशिश करेंगे तो वो स्वर्ग में जन्म लेने का पुण्यवान व्यक्ति बन जाता है। इसका मतलब ये धर्म को अनुभव करने के लिए एक अच्छा जगह पे जाने का भाग्य हम लोग को मिलता है। अगर इसी जीवन में हमें ये धर्म को अनुभव नहीं कर पाएंगे तो अगर देवलोक में जाएंगे तो हम लोग जिस देवलोक में धर्म सुनाई देता है, ज्ञान की बात चलता है, उसी जगह पे हमारा जन्म होता है। क्योंकि धर्म को समझने के लिए चाहिए हम लोगों को बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, वही बुद्धि के साथ हम लोगों का जन्म होता है। अब देखिए हम लोगों को बिना बुद्धि से जन्म मिल गया तो ये कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब देखिए ये सब कुछ, ये बातें जिसके पास बुद्धि नहीं उन लोगों को समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मान रूप में जन्म लेने के कारण हम लोगों को बुद्धि मिला। अगर देवताओं के पास जन्म लेंगे तो इससे भी ज्यादा बुद्धि मिल जाएगा। ऐसे होंगे तो हम लोग ये प्रयास करने वाले धर्म ज्यादा मेहनत, बिना मेहनत करके भी, थोड़ा मेहनत करके भी अनुबोध कर पाते हैं, अनुबोध कर सकते हैं देवताओं के पास जाएंगे तो। इसके लिए इसी जीवन में कम से कम हम लोग धम्मानुसारी जगह पे मन तैयार करवाना चाहिए। धम्मानुसारी व्यक्ति क्या करते हैं इसी जीवन में धर्म के अनुसार, हमेशा ज्ञान से मनन करते करते अपना जीवन का यात्रा को देखने के लिए कोशिश करता है, अपना जीवन को देखता है तो उनको दिखाई देता है इधर अपने आप बनने का कुछ नहीं है, इधर संपूर्ण रूप से हेतुफल धर्म है। हेतु के कारण हर एक चीज का कारण होता है, ये सब कुछ अविद्या के कारण होता है, ये सब का जड़ तृष्णा है, कर्म बनते बनते जाने का एक रास्ता है। ये अविद्या को नष्ट कर दिया तो, तृष्णा को नष्ट कर दिया तो कर्म बन जाना रुक जाता है, कर्म रुक जाता है। कर्म रुक गया तो मिलने के लिए कोई फल नहीं है, इसका मतलब भव यानी कि जन्म नहीं है। जन्म नहीं है तो बुढ़ापा, मृत्यु, दुख, तकलीफ, परेशान, चिंता कुछ भी नहीं है। ये दर्शन इनको अच्छी तरह से दिखाई देता है। उनको कहा जाता है सोतापन्न। निर्वाण के लिए सिर्फ वो 7 जन्म तक ज्यादा से ज्यादा जाएगा। सोत मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग का नाम है,
आपन मतलब घुस गया, घुस जाता है, घुसना। सोत आपन मतलब आरिष्टांगिक मार्ग पर वो घुस जाता है। कैसे? वो अच्छी तरह से जानता है, देखता है दुख क्या है, दुख का कारण भी अच्छी तरह से देखता है और दुख से मुक्त हो सकता है ये भी अच्छी तरह से जान लेता है। और ये वो जान जाता है, समझता है ये दुख से मुक्त होने का एक मार्ग है। ये दर्शन में जो आता है वो हमेशा अपना मन आर्यष्टांगिक मार्ग पे चलाता है। वो जितना देर हो गया तब भी सोतापन व्यक्ति 7 जन्म तक संसार में जाएंगे। 7 जन्म के पहले जरूर वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे। दूसरा कारण है किसी भी हालत में वो नरक, जानवर, भूत प्रेत, असुर इत्यादि 4 अपाय में नहीं जाता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उनके पास सक्काय दिट्ठि नहीं है। इसका मतलब ये 5 उपादान स्कंद पे वो कभी नहीं समझता है मैं हूं, मेरा है, मेरा वश में करने का कुछ भी है, ऐसा ये मन फंसाने वाले चीज में ये मोहित नहीं होता है। क्योंकि ये मैं हूं, मेरा है, मेरा वास में जो कुछ कर सकता है, ये सब कुछ मन की एक चित्र है, एक विचार है, एक मोह है। ये मोहित जाल से वो बच जाता है। देखिए कितना पुण्य है, कितना कुशल है वो, कभी भी ये मैं हूं, मेरा है, मेरा आत्मा है, ऐसा मिथ्या मोह जाल से मुक्त होने के बाद वो 4 अपाय से मुक्त होता है। इसका मतलब ये सत्य समझने के बाद उनको अच्छी तरह से उनका जीवन प्रोटेक्ट होता है, सुरक्षा होता है, शरण होता है। ये तरीका हमें और बढ़ा सकता है, और बढ़ा देंगे तो ये लंबी यात्रा को हम लोग रोक सकते हैं। बिना अंत वाली 4 अपाय में जाते जाते दुख सहन करते करते आए हुए संसार की यात्रा को रोक सकता है। ये सब कुछ बाहर किसी को नहीं कर पाता है, यानी कि कोई भी यज्ञ से, कोई भी पूजा से, कोई भी वंदना से, कोई भी यज्ञ से, कोई भी तरीका का पूजा ऊजा से ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। ये सब कुछ अपना ही ज्ञान है, अपना ही बुद्धि से समझने का चीज है। इसके बाद उनको अच्छी तरह से समझ में आता है भगवान बुद्ध के बारे में। वो एकदम गहराई से भगवान बुद्ध को विश्वास करते हैं, भगवान बुद्ध की गुण अच्छी तरह से पहचान के उनके ऊपर पूरा भरोसा रखता है। इसके बाद वो समझ लेता है धर्म क्या है, सही धर्म क्या है, सत्य क्या है, ये समझ के धर्म के ऊपर पूरा भरोसा रखता है, विश्वास करता है। इसके बाद वो समझ लेता है ये धर्म की रास्ता पे गए हुए ज्ञानी लोग थे, अरहंत लोग, जो राग, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, घमंड इत्यादि गंदगी को मिटाए हुए अरहंत लोग इसी धर्म से ही बने हुए हैं। ऐसे तो मेरे लिए भी ये धर्म अच्छा है। इस प्रकार आर्य महासंघ प्रति भी उनका मन में भरोसा उत्पन्न होता है, विश्वास उत्पन्न होता है। ऐसा विश्वास हो के वो क्या करता है, अपना जीवन अच्छा से शांत करता है सील से। ये 4 कारण अब बताए हैं। पहला क्या है? भगवान बुद्ध प्रति अटल श्रद्धा। दूसरा
तथागत भगवान बुद्ध की पवित्र ज्ञान धर्म प्रति अटल श्रद्धा। तीसरा, उसी रास्ता पे जा करके जो राग द्वेष मोह खत्म किए उन आर्य महासंघ प्रति अटल श्रद्धा। चौथा, सुरक्षा करने वाली सील। ये चार कारण को कहता है सोतापत्ति अंग। ये चार अंग से रह गया तो उनको कहा जाता है सोतापन्न। वो क्या करता है, उनका जीवन कभी भी आगे ही बढ़ता है, कभी उनका जीवन पीछे नहीं बढ़ता है, सिर्फ आगे बढ़ता है। ये सोतापत्ति अंग चार जिसके पास है वो अच्छी तरह से जानते हैं अनित्य क्या है, दुख क्या है, अनात्म क्या है, असार क्या है, सार क्या है, मिथ्या दृष्टि क्या है, सम्यक दृष्टि क्या है। वो कभी भी झूठी विश्वास पे नहीं जाता है, कभी यज्ञ पे नहीं जाता है। ईश्वर और महाब्रह्म जी ये दुनिया बनाता है, ये ऊपर वाले ने सब कुछ करता है, ऐसा झूठी विचार पर कभी फंसता नहीं है। वो दुनिया को देखता है पृथक्जन जैसा नहीं, आर्य लोग जो दुनिया को देखता है उसी कोना से ये दुनिया को दिखता है। ये अच्छी तरह से धर्म को समझ लेता है। इसका मतलब इनके पास कोई नॉर्मल सामान्य ज्ञान को तोड़ के गहरी ज्ञान पाता है, वो है उनको कहा जाता है तथागत श्रावक, तथागत भगवान बुद्ध के श्रावक। तो ये तथागत श्रावक अपना जान जाएंगे तब भी बुद्ध धम्म संघ को नहीं छोड़ेंगे। कोई आके तलवार औजार से काट दिया तब भी शरीर, जीवन भर वो तो बुद्ध धम्म संघ प्रति श्रद्धा मन से रहेंगे, उसी शरण को कभी हटाएंगे नहीं। अब सोचिए कोई देवता कोई असुर आके कहता है तुम इसे शरण से हट जाओ नहीं तो हम तुमको नष्ट करूंगा, लेकिन ये श्रद्धावान पुरुष ऐसे बोलता है ठीक मेरा जीवन खत्म कर दो मगर ये शरण हम कभी हटाएंगे नहीं। ऐसा हम लोग उसी जगह पे आना चाहिए, ऐसा मजबूत होना चाहिए मन से। हम लोगों का जीवन देखने के बाद अच्छी तरह से समझ में आता है, हम लोग का जीवन के साथ दो चीज है शरीर और मन। मगर हम लोगों के दो चीज होने पर भी शरीर पर आसक्त मन पर आसक्त ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है। इसका कारण क्या है, हम लोग बहुत तरह से बहुत पहले से ही ये मन को स्वीकार कर दिया है, हम लोग पहले से ही ये शरीर पे आसक्त हो चुका है। शरीर पे कोई पीड़ा बीमार दुख तकलीफ आ गया तो परेशान मिल गया तो तुरंत सोचते हैं अरे मुझे ये शरीर तो नहीं चाहिए, ऐसा शरीर नहीं चाहिए। कभी ऐसा मन में आया कि नहीं, ऐसा मन में आता है ऐसा शरीर कभी भी नहीं चाहिए, ऐसा मन में आता है। इसका मतलब हम लोगों को ये शरीर के बारे में अनासक्त होने का चीज हमेशा दिखाई देता है। क्यों, शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर कमजोर होता है, शरीर दुबला होता है, अंधा होता है और लंगड़ा होता है, लूला होता है, बहिर होता है, गूंगा होता है। इस प्रकार शरीर को जो कुछ दुख मिलता है वो दिखाई देता है, शरीर का कई प्रकार की हानि दिखाई देता है,
कभी कभी हाथ पैर काटता है, तोड़ता है, शरीर जला देता है, कभी कभी कई प्रकार की घाव बीमारियाँ, खुजली वगैरह आ जाता है, पीप आ जाता है, कभी कभी इस शरीर से कीड़ मकोड़ा निकल जाता है। ये सब कुछ दिखाई देने देते समय हम लोग का मन में आ जाता है, अरे बाप रे ऐसा शरीर तो नहीं चाहिए। कभी ऐसा मन में आया कि नहीं? आया है। मगर शरीर पे ऐसा हम लोग अनासक्त होने पर मन पे लोग अनासक्त हो जाएगा नहीं? क्यों? शरीर को देखते समय अच्छी तरह से समझ में आता है शरीर धीरे धीरे नष्ट होता है। नॉर्मली हम लोग को ये सब कुछ दिखाई देता है, मगर ये मन के बारे में ऐसा देखने पर कुछ दिखता नहीं है। हमेशा ये मन के बारे में समझ में आता है मैं हूं, ये मेरा ही है, ऐसा ही समझ में आता है। ये शरीर देखने के बाद शरीर का खतरा दिख सकता है। उस समय हमारे मन में भी आता है ये तो जरूरी है ही नहीं है, एकदम फालतू है, मगर मन के बारे में ऐसा नहीं है। हमेशा मन के बारे में हम लोग सोचते हैं मैं हूँ, ये मेरा मन, ये मन मेरा है, ये मन मैं है, मैं हूँ ओए, और ये मन मेरा वश में है, मेरा आत्मा है। क्यों ऐसे होता है? हम लोग शरीर पे अनासक्त होने पर भी इस संसार की यात्रा पे कभी भी हम लोग मन पे अनासक्त नहीं हुआ। हमेशा हम लोग इसी संसार की यात्रा में अनगिनत जन्म जन्म में हम सभी लोग मन के नौकर बन के मन में फंसे हुए आ गए हैं। हम लोग ये मन स्वीकार कर चुके हैं। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि कभी भी संसार में हम लोग ये मन का सही स्वभाव, सही तरीका अनुबोध नहीं किए। ये मन का तरीका अगर हमें अनुबोध हो गया तो कभी भी हम लोग ये मन मैं जैसा स्वीकार नहीं करेंगे। ये मन मेरा है, मैं हूं, उसी विचार से हम लोग ये मन को अनुबोध करेंगे। मैं हूं, ये मैं हूं विचार से हम लोग मन को हटा देंगे। ये मन का तरीका अनुबोध करने का, मन का तरीका भगवान बुद्ध ने बता दिया, ये मन को अनुबोध करने का रास्ता भी बता दिए हैं। हम लोग उस प्रकार से देखने के लिए कोशिश करना चाहिए। कोई साधारण, कोई सामान्य व्यक्ति को कह सकता है ये इसमें कोई आत्मा नहीं है, ये नित्य नहीं है। नॉर्मली हम लोगों के जीवन को देखते समय अनित्य दिखाई देता है, मगर मन को देखते समय ये अनित्य को देखना मुश्किल है। ये मन के बारे में अनित्य हम लोग को समझ सकता है। अगर कोई बता दिया तो देखिए ये बल्ब जल रहा है, बल्ब जलते रहते समय हमेशा बिजली आते आते रहते से बल्ब जलते जलते रहता है, मगर हम लोग को दिखाई देता है बल्ब जला हुआ है, मगर अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे तो ये बल्ब हमेशा बुझ के और जलते बुझ के जलते रहता है, बुझ जाता है और जलते रहता है, और बुझ जाता है और जलते रहता है। इस प्रकार है ये मन का तरीका भी। ये कभी भी हम लोग गाड़ी पे जाते समय खिड़की से रास्ता से बाहर देखेंगे तो सब कुछ जल्दी जल्दी बदलते रहता है, वैसे ही ये मन का सब कुछ
बदलते रहता है। ये सब कुछ में नष्ट होने का चीज ही मन में भरा हुआ है, काल्पनिक चीज ही मन में भरा हुआ। ऐसा काल्पनिक चीज में हम लोग नौकर बन गए हैं। अब हम सभी लोगों को ये दुनिया का अनित्य समझ सकता है, सदाकालिक नहीं नष्ट होता है ये समझ सकता है, इस समझ के जीवन बिता सकता है। ये सब कुछ अनित्य है ऐसा बोल बोल के जीवन जी सकता है, मगर हम लोग याद रखना चाहिए हम लोग अपना मन में एक दुनिया बना लिया है, ये अनुबोध नहीं है। अब देखिए कोई कोई लोग आना पाना साथी ध्यान करता है, या कोई ध्यान करता है, या तो फिर अशुभ ध्यान या मैत्री कोई भी ध्यान करता है। ये ध्यान में प्रयास करते समय हम लोगों का मन धीरे धीरे समाधि में आ जाता है। अब हम लोग पहले से जानते हैं अनित्य अनुबोध करेंगे तो मार्ग पे हम लोग को जीवन आगे बढ़ता है। हम लोग को क्या होता है, अब हम लोगों को पता नहीं चलता है क्या हम लोग उसी समाधि में फंस जाते हैं। कभी कभी ध्यान करते समय मन में आने वाले कई प्रकार के विचार पर मन फंस जाता है, फिर आंख खोलने का बहुत खुश हो जाते हैं, बाप रे हम एक फूल देखे, हम भगवान बुद्ध को देखे, हम कोई देवता को देखे। अनित्य चीज को पकड़ के हम लोग कभी पता नहीं चलता है, एक संकल्प बना के मन में फंस जाता है। ऐसे लोग धरती के लोग फंस जाते हैं, हम ज्ञान प्राप्त हैं, हम सभी दुख से मुक्त हुआ है, ऐसा करके माया मोह जाल में तुरंत फंस सकता है। हम लोग ध्यान करते समय मन शांत होता है, मगर वो यथाभूत ज्ञान नहीं है, वो आर्य सत्य ज्ञान नहीं है। आर्य सत्य ज्ञान में आने के लिए हमेशा हम लोग ये संसार बनने का तरीका है ये ज्ञान से मनन करके समझना पड़ेगा। बिना ज्ञान से कभी भी दृढ़ संकल्प से ज्ञान को छोड़ के सिर्फ दृढ़ संकल्प लेकर के आर्य सत्य नहीं देख सकता है, कभी प्रार्थना से भी निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता है। हमें ये निर्वाण मिल जाए, 10-15 मिनट ध्यान करके में प्रार्थना करने पर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमेशा हम लोगों को एक चीज चाहिए, वो है प्रज्ञा। प्रज्ञा प्राप्त होता है ज्ञान से मनन करते करते रहने वाले लोगों को, उसको कहा जाता है योनिसो मनसिकार। ज्ञान से मनन करते करते रहने वाले को क्या कहता है, योनिसो मनसिकार। उसी प्रकार योनिसो मनसिकार है तो प्रज्ञा प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। हम पहले बताए हैं ये मन का तरीका बहुत मायाकार है, जादूगर जैसा है। ये मन का सही तरीका नहीं पहचानने के कारण बहुत सारे लोग मन में जो कुछ विचार आते रहता है वो स्वागत करते रहता है, स्वीकार करते रहता है। कैसे, मेरा है, मैं हूँ, मेरा वश में सब कुछ कर सकता है, मेरा आत्मा है, ऐसा। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये मन अकेला नहीं है, एकांत ये मन बहुत सारे कारण से बनाया हुआ एक सम्मति है। सम्मति मतलब एक नियम है। तो हम लोग समझना चाहिए ये बात, क्योंकि भगवान बुद्ध ने बताया मायोपमांच विज्ञान, ये विज्ञान माया जैसा है। कैसे, एक जादू दिखाने वाली एक आदमी जादू दिखाता है रास्ता पे, जादू दिखाते समय देखने वाले सारे लोग को दिखाई देता है जादू असली जैसा। अरे चिड़िया बनाता है,
बाघ बनाते हैं, कई प्रकार के अलग अलग पैसा बनाता है, देखने में हम लोग को झूठ जैसा दिखाई देता है, नहीं असली जैसा दिखाई देता है। वैसे ही है हम लोगों का जीवन, कितना झूठ है ना। हम लोग देखिए यार, जो जादू दिखाने वाले व्यक्ति जादू दिखाते समय हम लोग जानते जादू झूठ है, मगर जान से जान जाने पर भी हम लोग उसी जादू को स्वीकार किया सही है। कितना हम लोग फंस जाते हैं उसी पे, इतना फंस जाएंगे तो मन पे कितना फंस जाते होंगे लोग। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया ये विज्ञान माया है, जादू जैसा है, सभी लोग फंसते फंसते रहते हैं। इसलिए हम लोग ध्यान करके समाधि पाने से सिर्फ ये खतरे से बच नहीं सकता है। आप लोग को कभी कभी मन में आते होंगे हम ध्यान करेंगे समाधि को प्राप्त करेंगे तब सारे प्रॉब्लम खत्म, कभी ऐसा नहीं होता है। समाधि के कारण प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होता है। समाधि प्रज्ञा के लिए सबसे नजदीक कारण समाधि नहीं है, प्रज्ञा के लिए सबसे नजदीक कारण योनिसो मनसिकार है, ज्ञान से मनन करना। तो समझ लीजिए प्रज्ञा का सब प्रज्ञा प्राप्त होने का मेन कारण क्या है, ज्ञान से मनन करना, योनिसो मनसिकार। अभी देखिए योनिसो मनसिकार के लिए सबसे नजदीक है समाधि, ध्यान। ध्यान करने से हम लोगों को योनिसो मनसिकार करना आसान हो जाता है, योनिसो मनसिकार करने से प्रज्ञा प्राप्त होता है। अब सोचिए हम लोग एक चीज के बारे में मनन करते रहते हैं, कोई साधारण नॉर्मल मन से हम लोग मनन करने गया तो क्या हो जाएगा, वो मनन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत थक जाता है। मगर हम लोग ध्यान करके मन शांत करता है, शांत मन से मनन करने गया तो थकता नहीं है, बहुत आराम है, आसान है, यही है फर्क। मगर ध्यान करके समाधि मिलने पर प्रज्ञा प्राप्त नहीं होता है, समाधि अलग प्रज्ञा अलग, क्योंकि ये समाधि मन से बनाया हुआ एक संस्कार है। समाधि से कभी भी अविद्या नष्ट नहीं होता है, समाधि से कर्म तैयार होते रहता है जन्म के लिए। ऐसे है तो ये मन कितना मायाकारी है हमें समझ में आता है ना। अरूप ध्यान पाएंगे तब भी, असंज्ञ समाधि पाएंगे तब भी, असंज्ञ समाधि मतलब संज्ञा नहीं है, संज्ञा नहीं मतलब पहचानने वाला कुछ नहीं है, ये शरीर भी पहचानता नहीं है, शरीर समझता नहीं है, मन को भी पहचानता नहीं, मन समझता नहीं है। उस ऐसा जगह पे ये मन बना सकता है ध्यान से, बहुत लोग करता है ना, कुछ भी पता नहीं चलता है मन के बारे में, शरीर के बारे में, सब कुछ भूल जाके रहता है, वो एक गलत समाधि है। मगर हम लोग हमेशा मन की ये माया में फंस जाते हैं। ये बात थोड़ा गहरा तो है, मगर हम लोग अच्छी तरह से ये समझने से हमें समझ सकते हैं। हम लोग शरीर को देख करके अनित्य कहते हैं, मन को देख करके अनित्य कहते हैं, मगर अनित्य को देख के नहीं। शरीर का अनित्य हम लोग ज्ञान से समझना चाहिए, मन का अनित्य भी ज्ञान से ही समझना चाहिए। मन का अनित्य समझने के लिए हम लोग सबसे पहले जानना चाहिए ये मन कौन सा चीज के कारण तैयार होते रहता है, ये समझ जाएंगे तो आसान पड़ता है।
नॉर्मली हम लोग लेंगे तो ये मन जैसा हम लोग क्या समझते हैं, विज्ञान। विज्ञान मतलब क्या है, जानने को कहता है विज्ञान। ऐसे है तो हम लोग क्या जान जाता है, जान लेता है सुख, जान जाता है दुख, जान जाता है उपेक्षा। ऐसे है तो जानने के साथ साथ सुख दुख उपेक्षा उत्पन्न होता है। ऐसा है तो सुख दुख उपेक्षा उत्पन्न होता है किसके कारण, पहचानने के साथ साथ। ऐसे है तो पहचान भी वहां पे है, इसका मतलब सुख दुख उपेक्षा भी है, जानने का चीज भी है। सिर्फ जानने का चीज है क्या, सिर्फ जानने का चीज नहीं, उधर कुछ क्रिया भी है। मन से बनाता है, क्या बनाता है, चेतना। ये सब कुछ हम लोग, ये सब कुछ को हम लोग कहता है मन। कुछ जानने लगे हैं, जो कुछ जानने लगता है तुरंत मन उत्पन्न होता है। मन उत्पन्न होने से ये सब कुछ होता है, ये एक दूसरा से अलग नहीं कर सकता है। जानना और पहचानना और वेदना, ये अलग नहीं कर सकता है। ऐसा है तो जानना और वेदना अलग नहीं कर सकता है, और पहचानना भी वैसे ही है, और पहचानना भी अलग नहीं कर सकता है। जो कुछ पहचानता है उस पे हम लोग चेतना करता है। ऐसे है तो पहचान और चेतना भी अलग नहीं कर सकता है, ये सब कुछ एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है। ये सब कुछ हम लोग प्रज्ञा से, ज्ञान से ही मनन करके समझना पड़ेगा। इस प्रकार हम लोग शरीर और मन अलग अलग करके देखने पर भी जल्दी समझ में नहीं आता है। ये समझने के लिए हम लोगों को चाहिए एक गुरु, वो है तथागत भगवान बुद्ध। उन तथागत भगवान बुद्ध ने ये सब कुछ दिखाया, कैसे, ये आँख रूप के कारण आँख का विज्ञान उत्पन्न होता है। इसका मतलब आँख और रूप के कारण मन से जान जाता है। इसके बाद आँख और रूप विज्ञान, ये तीनों का कोई कनेक्शन, कोई संबंध नहीं है तो रूप देख सकता है क्या, नहीं। खान, आवाज और विज्ञान, ये तीनों का कोई कनेक्शन नहीं है तो हम लोग को कोई आवाज सुन नहीं सकता है। नाक और गंध और विज्ञान, ये तीनों का कोई संबंध नहीं है तो हम लोग को गंध महसूस नहीं होता है। जीभ, रस और विज्ञान, ये तीनों का संबंध नहीं है तो हम लोग को रस पहचान नहीं सकता है। शरीर, स्पर्श और विज्ञान, तीनों का कोई संबंध नहीं है तो हम लोगों को स्पर्श को पहचान नहीं सकता है। मन और मन में आने वाले विचार और मन की विज्ञान, ये तीनों नहीं है तो हम लोगों को विचार नहीं कर सकता है। ऐसा है तो आँख रूप विज्ञान संबंध होने के कारण आँख से रूप जान पहचान लेता है, जान लेता है। कान, शब्द और विज्ञान, तीनों संबंध होने के कारण मिलने के कारण कान से आवाज पहचान लेता है। नाक और गंध और विज्ञान, ये तीनों मिलने के बाद नाक से गंध को पहचान लेता है। जीभ, रस और विज्ञान, ये तीनों मिलने के बाद जीभ से रस को पहचान लेता है। शरीर, स्पर्श और विज्ञान, ये तीनों मिलने के कारण शरीर से स्पर्श को पहचान लेता है। मन और विचार और मन का विज्ञान, ये तीनों मिलने के बाद
मन से विचार को पहचान लेता है। अब ये सब कुछ हम लोग समझना चाहिए अपना जीवन के साथ साथ। हम लोग अपना आँख कान नाक जीभ शरीर मन छह इंद्रिया के साथ साथ सब कुछ समझना चाहिए। उसको कहा जाता है ओपनाइकर। इसका मतलब ये सब कुछ जो कुछ होता है वो अपने से देखना चाहिए। अगर ये सब कुछ ये सब के लिए मन का कोई क्रिया नहीं है तो मन का कोई सहायता नहीं है तो हम लोगों को आंख से रूप देख सकता है क्या? नहीं देख सकता है। ऐसा है तो कोई नॉर्मल मन नहीं है, ऐसा है तो ये मन बहुत एक्टिव मन है, क्रिया करने वाले मन है। यही है इसका बैकग्राउंड। ये मन का में पीछे चीज क्या है? नाम और रूप। नाम से एक चीज है, नाम रूप। अब देखिए, अभी हम लोग आंख से रूप देखते हैं। ऐसा है तो ये आंख मतलब क्या है? हेतु के कारण बना हुआ है। आंख मतलब नित्य है या अनित्य है? अनित्य है, बदल जाता है। जो कुछ बदलने वाले चीज उस पे ये आंख भी है। आंख पे जो दिखाई देता है रूप, नित्य है या अनित्य है? अनित्य है, बदल जाता है। बदलने वाली चीज है रूप। ये बदलना कैसे होता है? अब देखिए, आंख कान नाक जीभ शरीर मन, ये अतीत में भी कितना सारा था? ये छह इंद्रिय अतीत में बहुत सारे थे, बहुत सारे लोग इस पे आसक्त होते रह गए थे। आप देखिए, भगवान बुद्ध को खूबसूरत एक रूप था, 32 कारण से एकदम देवताओं जैसा चमकने वाले रूप था। क्या हो गया भगवान बुद्ध की रूप को? भी नष्ट हो गया। कितना सारा रिद्धि बल था, सब कुछ खत्म हो गया। भगवान बुद्ध के समय के पहले भी कितना युद्ध था, सब देश एक देश और एक देश से खत्म हो गया। कितना सुंदर सुंदर महल था, अभी एक भी ईटा नहीं है। उसी परंपरा भी खत्म, नाम गोत्र भी खत्म, जात पात भी खत्म। उस समय जो कुछ कपड़ा पहनते थे, जो कुछ आदत थे, विचार थे, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा है तो सब कुछ बदलते रहता है। ऐसा है तो उस समय का राजा लोग, मंत्री लोग, सेठ लोग, सुंदर सुंदर कपड़ा, लता, आभूषण, ऐसा सब कुछ पहन के बहुत घमंड मन से लोग रहते थे। मगर ऐसा जो सुंदर से रहते थे अरबपति करोड़पति लोग, कोई भी अभी नहीं है, परंपरा के कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अनित्य है। सौ साल जाने के पहले अब इधर जो कुछ है आप हम सभी लोग खत्म। कभी कभी 100 साल जाने के साथ साथ ये जमीन, ये बिल्डिंग, ये सब कुछ भी खत्म हो जाता है। ऐसा है तो हम लोग ज्ञान से मनन करके समझना चाहिए, अपना जैसा समझने के लिए। अपना जैसा जो कुछ है आध्यात्मिक तथा अपने से बाहर बहिद्धा, अपने से अपना और अपने से बाहर जो कुछ भी है वो सब कुछ अनित्य है, बदल जाता है, नष्ट हो जाता है। जो कुछ नष्ट हो जाता है वो किस कारण से? वो है हेतु फल धर्म। कारण कुछ जो कुछ कारण से ही होता है, बिना मतलब से नहीं। जो बना हुआ है ये सारी चीज का कारण क्या है? अनित्य है। ये सबका लक्षण अनित्य है। अनित्य भगवान बुद्ध ने विस्तार करते हैं 3 कारण से।
उपादोपान्यायते। उपादोपान्यायते मतलब जन्म दिखाई देता है, बन जाता है वो दिखाई देता है। वायोपान्यायते नष्ट होना दिखाई देता है। स्थितस्य अन्यतत्त्वं पञ्ञायते जो कुछ है उस पे जो बनाया हुआ चीज उस पे बदलना दिखाई देता है, हमेशा बदलते रहता है, हर एक क्षण क्षण पे ये दिखाई देता है। ये तीन कारण से अनित्य भगवान बुद्ध ने दिखाया। ये तीन कारण पूरा धरती पे मानव देवता हर एक जगह पे हैं। क्या है? उत्पन्न होता है या तो फिर बन जाता है, इसके बाद नष्ट होता है, और जब तक रहता है तब तक बदलते रहता है। ये तीन कारण दिव्यलोक, ब्रह्मलोक, जानवर, प्रेत, भूत, असुर और नर और मानव, हर जगह पे ये तीन चीज दिखाई देता है, विश्व में, ब्रह्मांड में, हर जगह पे। तो तथागत भगवान बुद्ध ने दिखाया अनित्य आंख और अनित्य रूप के कारण क्या होता है। ये दोनों के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है। आंख और विज्ञान, आंख और रूप के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है। कान और शब्द के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है। नाक और गंध के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है। इसका मतलब जान जा सकता है। विज्ञान मतलब जानना। हम लोग का जीवन का ये क्रिया कार्य जानना, ये सब कुछ नित्य है या तो फिर अनित्य है। सब कुछ अनित्य है, ये सब कुछ बदलते रहता है। ऐसा है तो विज्ञान भी कैसे प्राप्त होता है? अपना और बाहर संपर्क से। द्वयम् पटिच्च विज्ञान संभवति। अपना चीज और बाहर चीज मिलने के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है। अपना पास क्या है? आंख। बाहर से क्या है? रूप। ये दोनों के कारण चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। चक्षुंच पटिच्च रूपे च उपजित चक्षु विज्ञान। उस प्रकार खान अपना पास है, शब्द बाहर है। ये दोनों के कारण खान का खान में विज्ञान, उसको सोत विज्ञान कहता है। नाक और गंध दोनों के कारण घान विज्ञान उत्पन्न होता है। जीभ और रस दोनों के कारण जीवहा विज्ञान उत्पन्न होता है। शरीर और स्पर्श दोनों के कारण काय विज्ञान उत्पन्न होता है। मन और विचार दोनों के कारण मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। अब याद रखिए, इस प्रकार मिलने के बाद ये सब कुछ मन के साथ संबंध कनेक्शन है। मन उत्पन्न होने के बाद तुरंत जान जाता है। जानने के बाद तुरंत क्या होता है? सुख मिलता है या दुख मिलता है या उपेक्षा वेदना उत्पन्न होता है। मन में जो कुछ कारण जान, मन से जो कुछ कारण जान गया तो तुरंत क्या होता है? सुख या दुख या उपेक्षा उत्पन्न होता है। अब देखिए, हम लोग आंख और रूप के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है। और आंख नहीं है तो विज्ञान उत्पन्न होता है क्या? नहीं। रूप नहीं है तभी विज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। ऐसे तो आंख और रूप के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है। आंख, रूप, मन, ये तीनों मिल जाता है। मिलने के बाद क्या होता है? सुख या दुख या उपेक्षा उत्पन्न होता है। ऐसा है तो रूप को देखने के बाद खुशी उत्पन्न होता है। अगर खुशी उत्पन्न होने का सिस्टम का कोई रूप देख लिया तो खुशी उत्पन्न होता है। दुख उत्पन्न होने का रूप देख लिया तो दुख उत्पन्न होता है। या तो फिर सुख दुख बिन दोनों नहीं मिलता है, नॉर्मल है। ऐसा मौका पे हम लोग को उपेक्षा उत्पन्न होता है।
इसके बाद ये जो जान जाता है वो हम लोग पहचान लेता है। आँख से हम लोग क्या पहचानता है? रूप, कान से आवाज, नाक से गंध, जीभ से रस, शरीर से स्पर्श, मन से विचार को पहचानते हैं। अभी हम लोग रूप देख करके पहचानने के बाद सुख मिला, देन अब क्या हो जाएगा? अब इस सुख पे आसक्त हो जाएगा कि नहीं? आसक्त हो जाता है। ऐसे तो याद रखिए, ये मन में कितना कारण से ये सब कुछ हुआ, मन को बहुत कुछ हुआ है। आप देखिए अध्यात्म अपना पास जो कुछ है वो भी संबंध हो गया। इसका मतलब आँख, रूप और मन, ये तीनों के कारण, तीनों के कनेक्शन में ये सब कुछ उत्पन्न होता है। अब मन से जान गया, इसके बाद मन से पहचान गया, इसके बाद सुख दुख उपेक्षा मिल गया। अब सोचिए सुख मिल गया है, सुख मिलने के बाद सुख उत्पन्न हो गया है, हम लोग का मन में क्या होता है उस समय? इच्छा उत्पन्न होता है, तृष्णा। ये मन आलतू पालतू चीज नहीं है। ये मन में हमेशा चेतना क्रिया करते रहता है, हमेशा तृष्णा है, उसके साथ साथ कर्म बनते रहता है हमेशा। कान से आवाज सुनने के बाद तुरंत हम लोग क्या करता है? जान लेता है। जानने के बाद शब्द को पहचानता है, पहचानने वाले शब्द को फिर हम लोग को सुख देता है, या तो फिर दुख देता है, या तो फिर सुख दुख नहीं उपेक्षा देता है। जीभ से भी वैसे ही, शरीर से भी वैसे ही, मन से भी वैसे ही। अभी हम लोग क्या करते हैं? अभी ये खारे पे मन में चेतना उत्पन्न होने के बाद सब कुछ मन से पकड़ लेता है। इसके बाद सबसे पहले रूप देखने के बाद खुशी उत्पन्न होता है। इसके बाद जो खुशी उत्पन्न होता है, होने वाले रूप देख लिया है, वो चाहता है। चाहने पर क्या क्या करते रहता है? उसके ऊपर मनन करते करते रहता है। ये तीन कारण से होता है। मनन करते करते मन से सोच के रहता है, फिर मनन करने के बाद वाणी मुंह से बोलता है, फिर चेतना उत्पन्न होने के बाद शरीर से कुछ करता है। रूप देखने के बाद फिर हम बताएं ना, जान लेता है, इसके बाद पहचानता है, इसके बाद सुख दुख उपेक्षा मिलता है, फिर उसके ऊपर चेतना करता है, चेतना करने के बाद शरीर से कुछ एक्शन लेता है, या तो फिर मन से सोचता है, या तो फिर मुंह से बोलता है उस रूप के बारे में। हमेशा ये मन में हर समय ये स्वभाव बनते रहता है। वाणी से जो कुछ बोलता है हमेशा ये सब कुछ तैयार होता रहता है। शरीर से जो कुछ करता है हमेशा ये सब कुछ तैयार होता रहता है। अब क्या होता है? कर्म बन जाता है। कर्म किस कारण पे बन गया वो समझ में नहीं आया उनको, क्योंकि वो नहीं जानता है ये रास्ता के बारे में। इसीलिए वो समझता है मैंने देख लिया, मुझे देख लिया, मुझे मन लगा, मुझे चाहिए, ये सब कुछ यही सिस्टम है। मगर ये कौन, ये क्या स्वीकार किया है? आँख स्वीकार किया है, आँख से रूप स्वीकार किया है, पहचान लिया है, चेतना उत्पन्न हो गया, सुख दुख उपेक्षा मिला, फिर उसके ऊपर मनन करते रहता है। मगर ये सब कुछ अनित्य है। आँख में भी है,
आँख उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और बदलते रहता है। ये तीन चीज आँख में भी है। रूप में भी जन्म लेता है और नष्ट होता है और बदलते रहता है, ये रूप में भी है। और रूप जो देख लिया, पहचान गया, उसी मन में भी है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, बदलत रहता है, ये सब कुछ रूप में भी है। और सुख दुख उपेक्षा है, ये सुख दुख उपेक्षा में भी ये तीन चीजें, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, बदलत रहता है। इसको चेतना उत्पन्न होते हो गया, चेतना में भी है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, बदलत रहता है। और इसके बाद मन से सोचा, उसमें भी ये तीन चीज है, सोच उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, बदलत रहता है। मुंह से बोल दिया, उसमें भी ये तीन चीज है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, बदलत रहता है। इसका मत हर जगह में, इसके बाद शरीर से करता है, उसमें भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, बदलत रहता है। इसके बाद खारम तैयार हो गया, उसी में भी है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, बदलत रहता है। ये तीन चीज कारम में भी है। मगर हम लोग ये चीज, ये तीन चीज देख लिया क्या कभी भी? इसमें नहीं देखे हैं हम लोग, हमेशा माया जाल में फंस के ये चीज में देख नहीं पाते हैं। जिस दिन हम लोग आर्य सत्य देख लिया तो हम लोगों को ये सब कुछ समझ सकता है, हम लोगों को आँख में दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है, जो दूर है, जो नज़दीक है, जो नीच है, जो उत्तम है, जो कठोर है, जो मुलायम है, सब कुछ का ये कारण है। क्या है? उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, बदलते रहता है। अपना और अपने से बाहर भी वैसे ही है, ऐसा हम लोग समझना चाहिए। इसके बाद हम लोग उत्पन्न होता यथाभूत ज्ञान, यथाभूत ज्ञान मतलब सही ज्ञान उत्पन्न होता है। इसके बाद उनको हर एक चीज को अलग अलग करके ज्ञान से मनन करके देख सकता है। मन से ये देखने के बाद अच्छी तरह से वो समझ सकता है, इसके बाद वो कभी फंसता नहीं है, कभी भी वो आता नहीं, कई प्रकार की दृष्टि, मिथ्या दृष्टि में कभी फंसता नहीं है, कभी भी वो समझता नहीं, अरे हम खत्म हो गए तो कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं समझता है। सब कुछ सही दृष्टि में ये आ जाता है, गलत दृष्टि की नहीं, उसी दृष्टि को, सही दृष्टि को कहता है यथाभूत ज्ञान। इसके बाद इनको समझ में आता है इसके अंदर हेतु फल कैसे क्रिया होता है, पटिच्चसमुप्पाद कैसे बन जाता है, ये देख सकता है। इसके बाद उनके पास बहुत बलवान वीर उत्पन्न होता है। वो कैसा वीर है? अपना पास जो उत्पन्न हुआ पापी अकुशल को नष्ट करने का वीर, अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ पापी विचार को बिना उत्पन्न हो के हटाने का वीर, अभी तक अपने पास थोड़ा मोड़ा पुण्य है वो कुशल बढ़ाने का वीर, अभी तक अपने पास पुण्य ध्यान कुशल उत्पन्न नहीं हुआ वो उत्पन्न करने का वीर, ऐसा वीर बलवान वीर उत्पन्न होता है उनके पास। ऐसा वीर उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, उनका मन में कोई पापी विचार आ गया तो पसंद करेगा, पसंद नहीं करेगा, इसके बाद वो पाप विचार पोषण नहीं करेगा, क्योंकि ये सत्य जानता है क्या होता है, क्योंकि फल के लिए खारम तैयार होता है हर एक चीज से, क्योंकि ये अच्छी तरह से जान लेता है ये भगवान ने नहीं किया, ईश्वर ने नहीं किया, ये अपने आप भी नहीं हुआ, ऐसा है तो ये कुछ कारण के अनुसार होता है। वो क्या करता है, अकुशल को हटा के अपना जीवन को शांत करता है। उनको कहा जाता है सोतापन्न व्यक्ति का कारण। वो क्या करता है, पाप को हटा के पुण्य पे अपना जीवन को चलाता है। अब इधर सबसे मुश्किल चीज क्या है, पटिच्चसमुप्पाद को देखना।
अपने जीवन से अपने से परिसंपाद को देखना। पहले बताएं आँख कान नाक जीभ शरीर मन रूप शब्द गंध रस स्पर्श विचार ये सब कुछ और मन का स्वभाव और वेदना पहचान चेतना इत्यादि ये सब कुछ अलग अलग से अनित्य जैसे समझ के देखना चाहिए। ये सब कुछ हम लोग अनित्य प्रकार से देखेंगे तो हम लोग को कभी भी परेशान नहीं होता है, क्योंकि कभी भी कोई डांट दिया तभी गाली दिया तभी हम सभी लोग समझ सकते हैं। इसीलिए ये इसी प्रकार हम लोग सबसे पहले ये जो कुछ मिल जाता है जो कुछ हम लोगों को मुलाकात होता है रूप हो सकता है शब्द हो सकता है गंध हो सकता है रस हो सकता है स्पर्श हो सकता है विचार हो सकता है ये सब कुछ स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ स्वीकार नहीं करने के लिए हम लोग मन मजबूत करना चाहिए, उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। साधु साधु साधु।